हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तफ़ा। मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। ऑन पेसिव कंपनी जिधर है अभी नियर बाई मेरे घर से 10 to 12 किलोमीटर्स, मे बी हाफ एन आवर में मैं पहुँच जाऊँगा। रास्ता उतना ही है, आधे घंटे का रास्ता है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी ऑन पेसिव जर्नी कैसी रही वो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मैं एक वीडियो देखा था जाविर भाई की, वीडियो यूट्यूब पर। मुझे सर्च करने की ऐसे ही आदत है, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब ओपन किया, ओपन करके ऐसे ही सर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला ऑन पेसिव के बारे में। तो मैं ऑन पेसिव के बारे में वीडियो चेक करा। वीडियो में मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर नीरज सर की वीडियो तो देखा मैं, और थोड़े बहुत और वीडियोज़ थे वो भी देखा। तो मेरी जर्नी ऑन पेसिव की इसीलिए स्टार्ट हुई, मैं ज्वाइन करा दिसंबर 2020। मैं वीडियो देखने के बाद में मैं ज्वाइन कर मैं सोचा मेरे घर के करीब में है नियर बाई, तो मैं जाऊंगा, जाकर देखूंगा ऑफ़िस। मैं गया ऑफ़िस, देखा ऑफ़िस, देखने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों बोलते, तो फोर्थ फ्लोर की बिल्डिंग थी पूरी ऑन पेसिव की, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स है और बाउंसर को रखा है उन्होंने, तो बहुत सारे फाउंडर आएंगे अंदर आने के लिए, इसीलिए आने नहीं देते वहाँ पर। रीज़न यही है कि हर कोई आने लगा तो बहुत मुश्किल होती है, वो लोग काम करेंगे या फिर फाउंडर्स आने के लिए, फाउंडर आएंगे, फाउंडर आने के बाद में वो सबको बताएंगे कि ऐसा वर्क है वैसा वर्क है। उससे बेहतर हम लोग को वेबिनार अटेंड करना चाहिए, वेबिनार में पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अप टू डेट मैं देखता हूँ। और मंडे के दिन मैं गया था, 20 सितंबर मंडे के दिन गया मैंने भी, बहुत सारे फाउंडर आए हैं वहाँ पर, आए वो सबसे भी मिला मैं, अच्छा लगा। अलग अलग जगह से आए थे लोग, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सबसे जान पहचान भी हमारी, कौन किधर से है कैसे है उसके लिए भी मालूम पता चला। कोई दिल्ली से आए हुए थे, कोई कलकत्ता से आए हुए थे, कोई उड़ीसा से आए हुए थे। वहाँ पर फाउंडरशिप है, फाउंडर है, इसीलिए कंपनी में देखने के लिए आते। कुछ ऐश मुफारे सर ने कहा था कि कुछ सरप्राइज़ देखने के लिए मिलेगा, तो अच्छा लगा वहाँ पर जाने के बाद में। सरप्राइज़ क्या था, 3 कार रखे हुए थे वहाँ पर, तो मैं उधर गया, जाकर देखा, सबसे बात भी किया, और थोड़े बहुत वीडियो क्लिप भी बनाया मैंने, बना के सेंड किया। जावेर भाई ने भी डाला है यूट्यूब पर, और भी थोड़े बहुत बात है। और क्या है, मीन्स सब तकरीबन लोग बोल रहे थे, उधर भी फाउंडर लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग को पैसा कैसे आएगा, पैसा आने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। अब हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को प्रोडक्ट्स मालूम है, वेबसाइट मालूम है, लेकिन ऐश मुफारे सर को बहुत सारे चीज़ मालूम है कि पैसा किधर से जनरेट होता है, कहाँ से आता है, उनको हमसे ज़्यादा मालूम आते हैं। हम लोग को जितना मालूम है, हम जितना सोच सकते हैं हम उतना ही सोच सकते हैं, लेकिन ऐश मुफारे सर जितना सोचना है उन्हें उतना सोच सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, उनको ज़्यादा पता है कि पैसा किधर से जनरेट होता, फंड्स किधर से कलेक्ट कर सकते, उनको ज़्यादा मालूम है। हम लोग वो झंझट में पड़ने की हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, कि पैसा किधर से आएगा कैसा आएगा, हम लोग को पैसा आएगा वो ज़रूरी है, हम लोग वही ज़्यादा सोच के चलना। और तकरीबन लोग है उम्मीद लगा के बैठे हैं ऑन पेसिव से, बहुत ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लॉन्च होगा, सॉफ्ट लॉन्च होगा, वो डिस्कस करने का हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग की लाइफ में खुश रहो, वो जब लॉन्च होना है वो जब भी लॉन्च होगी, आप हम बोलने से वो लॉन्च नहीं होगी, ये हम सब हमारे दिमाग में बिठाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि वो जब लॉन्च होना है वो जब भी लॉन्च होगी। अब हम डिस्कस करेंगे अब होगी जब होगी, वो ऐसा बोलने से नहीं होगी लॉन्च, वो जब लॉन्च होना है वो जब भी लॉन्च होगी। वो लोग का जब काम ख़त्म कम्प्लीट हो जाएगा तभी लॉन्च करेंगे, ऐसा थोड़ी है आप हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्च हो लॉन्च करो, ऐसा लॉन्च नहीं कर सकते। बस यही बोलना चाहता था मैं। जाविर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, मुझे बोलने का मौका दिए और एक वीडियो फॉरवर्ड करने के लिए बताए। वी आर इन इट टू विन इट।